नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईगल प्ले पर। आज संडे है, हम लोग हर संडे हैशटैग आस्क सौरभ का एपिसोड बनाते हैं। तो ये एक नया फ्रेश एपिसोड है जहाँ पे आप लोगों ने मुझसे काफ़ी सारे यूनिक से और इंटरेस्टिंग से सवाल किए थे जिसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए हम लोग सवाल जवाब का सिलसिला चालू करते हैं। सबसे पहला सवाल करते हैं रॉयल बॉय नितिन महावार, उनका कहना है कि भैया दिवाली पे भी सेल आएगी क्या जो अभी चल रही है? बिल्कुल आएगी, जो अभी बिग बिलियन डे और अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है वो दिवाली पे भी आएंगी, लेकिन इतना इम्पैक्टफुल सेल वो नहीं होगा। आपको अभी SBI और HDFC के डेबिट कार्ड पे कैशबैक मिल रहे हैं या फिर डिस्काउंट मिल रहे हैं, दिवाली सेल पे आपको किसी और बैंक के कार्ड्स पे मिलेंगे और शायद से आपको 10% ना मिले, 5% मिले। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपको कुछ भी चीज़ खरीदना है तो अभी खरीद लो, अगर बजट का चक्कर है तो आप लोग बाद में भी वेट कर सकते हो, दिवाली के पहले भी एक सेल जरूर से आएगा। चलिए आज का हमारा एक सवाल करते हैं मानस रंजन बिहारा, उनका कहना है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग एंड UPI। देखो UPI के बारे में तो आप सबको पता है, उसके बारे में डिटेल में बताने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो इसके मतलब कि आपको UPI के बारे में भली भांति पता है, उसका डेफिनेशन देके फायदा नहीं, उसका कंसेप्ट आप लोगों को पता है। अभी मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। मोबाइल बैंकिंग आप लोग ऐप के थ्रू करते हो, उसके लिए स्पेशली ऐप बनाया जाता है किसी भी बैंक का, जैसे SBI का अलग सा ऐप, एक्सिस बैंक का अलग सा ऐप है। तो ऐप के अंदर जाके आप लोग फंड ट्रांसफर कर सकते हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे, फिर बिल पेमेंट करना हो गया, फिर और भी मोबाइल रिचार्ज करनी हो गए, जो भी बैंक आपको सर्विस देता है वो आप लोग मोबाइल बैंकिंग का यूज करके किसी स्पेसिफिक ऐप के अंदर जाके वो करते हो। और इंटरनेट बैंकिंग के केस में क्या है कि आप लोग ऐप का यूज़ नहीं करते हो, आप लोग अपने फ़ोन का, लैपटॉप का या फिर आप लोग अगर डेस्कटॉप यूज़ करते हो तो किसी ब्राउज़र के वाया जाके बैंक का सर्वर ओपन करते हो, फिर उसके पोर्टल में जाके जो सर्विसेज बैंक पे प्रोवाइड करता है, फंड ट्रांसफर करना, बिल पेमेंट करना, वो सब करते हो। तो मोबाइल बैंकिंग स्पेशली ऐप के वाया किया जाता है और इंटरनेट बैंकिंग ऐप के वाया नहीं बल्कि ब्राउज़र के वाया किया जाता है। आज का मान एक सवाल करते हैं SG म्यूजिक लवर चैनल से, उनका कहना है कि भाई गिव अवे कब आएगा? कि वह यार बहुत दिन से लाया नहीं हूँ मैं ईगल टेक चैनल पे भी या फिर ईगल प्ले चैनल पे। चलो आज एक गिव अवे का अनाउंसमेंट करता हूँ मैं। मेरे ईगल प्ले चैनल पे ऑलरेडी 92 के सब्सक्राइबर हो चुका है, तो जब 1,00,000 सब्सक्राइबर इस चैनल पे पूरा हो जाएगा तब आप लोगों में से कुछ लक्की विनर को मैं 20,000 रुपये तक का प्राइस देने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, गिव अवे अभी से ओपन कर रहा हूँ, आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको ईगल प्ले चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और इस ईगल प्ले चैनल को दोस्त लोगों के साथ में शेयर करना है, उनको भी बोलना है कि सब्सक्राइब करें। तो इससे क्या होगा, जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरा होगा। जब भी 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरा होता है तो मैं वीडियो में आके विनर डिक्लेयर कर दूंगा और प्राइस भी आप ही के सामने डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। चलिए आज का मानक सवाल करते हैं रविंद्र प्रजापति, उनका कहना है भाई HDFC या फिर SBI का क्रेडिट कार्ड कैसे मिलेगा, बैंक से प्रोसेस किया है? देखो मेरे पास HDFC या फिर SBI का क्रेडिट कार्ड नहीं है, SBI का डेबिट कार्ड है और मेरे पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है। किसी भी बैंक अकाउंट के क्रेडिट कार्ड अगर आप लोग पाना चाहते हो तो आपने जो अकाउंट बनाया है वो क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होना चाहिए। बैंक वाले आपके बैंक अकाउंट के पिछले 6 महीने या फिर 12 महीने के ट्रांजेक्शन चेक करेंगे, आपके बैंक अकाउंट में इनफ बैलेंस होना चाहिए, उसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा, फिर अगर आपका एप्लीकेशन अप्रूव हुआ तो आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। मैंने जैसे स्पेशली अप्लाई नहीं किया था, बैंक से ही कॉल आया था कि आपका अकाउंट क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल है, आप चाहते हो कि नहीं, तो मैंने बोला हाँ ज़रूर चाहता हूँ, क्योंकि एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से 5% का डिस्काउंट हमेशा फ्लिपकार्ट से मिलता है। तो मैं बैंक पे गया, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किया और मेरे घर तक क्रेडिट कार्ड आ गए। तो अगर आपका अकाउंट एलिजिबल होगा तो आप लोग बैंक से जाके एक बार पूछ सकते हो कि मुझे क्रेडिट कार्ड मिलेगा कि नहीं। चलिए आज का हमारा एक सवाल करते हैं Top 10 चैनल से, उनका कहना है फौजी गेम कब तक आएगा? जब फौजी गेम अनाउंस हुआ था PUBG बैन के बाद में तो बताया गया था कि अक्टूबर महीने में लॉन्च हो जाएगा, अक्टूबर महीना तो चल रहा है, तो शायद से आपको अक्टूबर के एंड तक ये फौजी गेम लॉन्च होता हुआ देख जाए, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर डेट, ऑफिशियल डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। चलिए आज का हमारा एक सवाल करते हैं सुधांशु मिश्रा, उनका कहना है भाई प्लीज़ ये बता आपने क्या क्या शॉपिंग की BBT एंड अमेजन ग्रेट इंडियन सेल में विथ स्क्रीनशॉट। देखो ज़्यादा कुछ मैंने शॉपिंग नहीं की, मेरा टारगेट भी नहीं था क्योंकि ज़्यादा कुछ चीज़ चाहिए नहीं थी मेरे को, ऑलरेडी मेरे पास था, लेकिन मुझे एक हेयर ड्रायर और फिलिप्स के ट्रिमर चाहिए थे। तो आप देख सकते हैं मैंने वो पहले अमेजन से ऑर्डर करी, फिर उसको कैंसिल करा क्योंकि मुझे फ्लिपकार्ट से अच्छे डील्स मिल रहे थे, फिर मैंने फ्लिपकार्ट से उसे ऑर्डर करी। आप लोग भी अगर BBT या फिर अमेजन ग्रेट इंडियन सेल से कुछ शॉपिंग किए हो तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट पर जरूर से बता सकते। आज का हमारा एक सवाल करते हैं ऑनलाइन गाइड चैनल से, उनका कहना है कि भाई मेरा नाम अनिमेश है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ,
मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसे हिंदी में बोल लेते हो, प्लीज़ बताओ। देखो, मैं एक बंगाली हूँ और पूरे 24 घंटे में सिर्फ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तभी हिंदी में बात करता हूँ, बाकी हमेशा मेरे फैमिली से, मेरे फ्रेंड से मैं बंगाली में ही बात करता हूँ। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस है, उतना प्रैक्टिस नहीं हो पाता, इसलिए मेरे एक्शन से आपको पता लगता होगा कि मैं हिंदी में ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ। और एक चीज़ सीक्रेट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना, बहुत फंबल होता है। एक अगर 5 मिनट का वीडियो मुझे बनाना है तो रिकॉर्ड के बाद देखता हूँ कि वो वीडियो 12 मिनट तक हो गया है, फिर एडिट करके मुझे बाकी 6-7 मिनट कट करना पड़ता है, समझ रहे हो? मतलब एक सेंटेंस को बोलने के बाद मैं दूसरा सेंटेंस बोलने जाता हूँ तो मुझसे कुछ और निकल जाता है, क्योंकि फ्लुएंटली मैं बोल नहीं पाता लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। और जहाँ तक सीखने की बात है, मैं अपना स्कूल स्टडी JNV से किया हूँ, उधर हिंदी मेरा सेकेंड लैंग्वेज था और उधर ज़्यादातर हम लोग हिंदी में ही बात करते थे, तो तब से मैंने हिंदी सीखा है। और जब वीडियो बनाता हूँ सही में यार बहुत फंबेल होता है। दोनों चैनल पर मैंने आज तक 800 से भी ज़्यादा वीडियो बनाए हैं, लेकिन एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जिसमें कट ना आया हो। हमेशा मुझे 3-4 मिनट कम से कम कट करके हटाना पड़ता है। चलिए, मुझे मेरे वीडियो को बहुत पसंद आएगा, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा।